Hyundai i10 के इंजन के बारे में महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। सबसे पहले ये बॉनेट खोलेंगे। बॉनेट खोलने के लिए स्टीयरिंग के नीचे एक बल्ब पुश करना होगा। इसको पुश करना, इसको खींचेंगे और बॉनेट खुल जाएगा। उधर से जा करके ऐसे खुलेगा नहीं, यहाँ पे जा करके एक लॉक रहता है, ये लॉक को हटाएंगे तब ये खुल जाएगा। ये है एयर फिल्टर, ये रहा 12 वोल्ट का बैटरी। और बैटरी का टर्मिनल खोलने के लिए सबसे पहले ऐसा होता है कि कोई मैकेनिक ऐसा करता है कि पहले पॉजिटिव खोलता है, लेकिन पहले पॉजिटिव नहीं खोलना चाहिए, पहले निगेटिव टर्मिनल को निकालना है। पहले निगेटिव टर्मिनल को निकालना चाहिए, उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल को निकालना चाहिए। अगर निगेटिव टर्मिनल लगा हुआ है और पॉजिटिव टर्मिनल को अगर खोलेंगे तो यहाँ से अगर स्क्रू ड्राइवर या रिंच कुछ भी हो, अगर इधर से अर्थिंग पकड़ लेगा तो शॉर्ट सर्किट होने की खतरा है। ठीक है, तो सबसे पहले निगेटिव टर्मिनल को खोलना है। सब उसके बाद अगर हम चाबी को ऑन करते हैं, इग्निशन को ऑन करते हैं, तो वहाँ से करंट जो होता है सबसे पहले फ्यूज बॉक्स में आता है। फ्यूज बॉक्स में एक यहाँ पे एक फ्यूज बॉक्स है, ये रहा बरखा जो है, ये सब रिले है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान लिया जाए कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो सबसे पहले फ्यूज बॉक्स चेक करेंगे। इसमें स्टार्टर लिखा होगा, ST लिखा होगा, और ST का जो फ्यूज बॉक्स होगा यहाँ पे चेक करना होगा कि क्या फ्यूज सही है कि नहीं है। अगर फ्यूज सही नहीं होगा तो फिर गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, तो इसको फिर वापस लगा देते हैं। ये रहा एयर फिल्टर, इसको खोलने का, यहाँ पे एयर फिल्टर देखिए कितना गंदा है, इसको साफ करेंगे या तो कहीं पे मारेंगे इसको, देखिए कितना गंदा है ये एयर फिल्टर रहा। ठीक है, एयर फिल्टर को आपस में लगा दे रहे हैं। ये अल्टरनेटर है, इधर इधर देखो, ये गाड़ी का अल्टरनेटर है। अल्टरनेटर ये बैटरी को चार्जिंग करने का काम करता है, ये एयर फिल्टर है, ये थ्रोटल बॉडी है। ये सेंसर जो लगा हुआ है, ये सेंसर यहाँ पे एक लगा हुआ होता है। एयर फिल्टर में एक सेंसर लगा होता है, उसका नाम है एयर फ्लो सेंसर। सेंसर का मतलब होता है कोई भी डाटा को सेंस करना, मालूम या पता करना। तो सेंसर ये किया, ये सेंसर लगा हुआ, देखिए ये सेंसर है, ये सेंसर है, अल्टरनेटर में भी सेंसर लगा हुआ है, कैम शॉप सेंसर यहाँ पे है, ये वाला रहा कैम शॉप सेंसर। ठीक है, ये है कैम शॉप सेंसर। ये रहा ECM, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। ये बैटरी को हम खोल देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल को निकालेंगे, उसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल को निकालेंगे, बैटरी को खोल देंगे। ठीक है, बैटरी को खोल करके इसको आज क्लच बॉक्स को खोलना है। ये पहले से हम खोल चुके थे, ये सब क्लच बॉक्स को खोलना है। ये रहा ECM, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल या इंजन कंट्रोल मॉड्यूल कहा जाता है। ठीक है, ये भी खुला हुआ है। ये पेट्रोल इंजन है। ये इंटेक मैनिफोल्ड है, ये है पेट्रोल इंजन, स्पार्क प्लग, चार सिलेंडर इंजन है। ठीक है, ये पेट्रोल इंजन, चार सिलेंडर इंजन है का इंजेक्टर है, ये इधर जो है ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड लगा हुआ है, ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है, ये
एसी का लो प्रेशर पंप, एसी का लो प्रेशर या हाई प्रेशर, गैस फिलिंग करने के लिए लो प्रेशर में हम गैस फिलिंग करते हैं, तब एसी कूलिंग देगा। स्टॉप करो, स्टॉप करो।